समाचार आप देख रहे हैं सत्यम समाचार। मैं हूं विशाल शर्मा। आइए शुरू करते हैं खबरों का सफर। खबरों में सबसे पहले बात करते हैं पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ की। थाना बिछवा क्षेत्र में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 25,000 रुपए का इनाम घोषित बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मुठभेड़ में बदमाश के पैर के गुप्त में गोली भी लगी है। घायल अवस्था में बदमाश को जिला अस्पताल भेजा गया। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ बताया, आइए आपको भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम आपको पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ की मौके की तस्वीरें दिखा रहे हैं। मौके पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं बदमाश के पैर में पुलिस की गोली लगी है। बदमाश के पास से पुलिस को एक 315 बोर का तमंचा भी बरामद हुआ है। बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस पर बदमाश की गिरफ्तारी के लिए जाल बिछा रही थी, तभी फनू घाट के पास बदमाश आता दिखाई दिया। पुलिस को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो इसने पुलिस के ऊपर गोली चलाना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी अपने बचाव में गोली चलाई, जिसमें से एक गोली बदमाश के पैर में लगी और वह घायल होकर गिर गया, जिसके बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। बाद में पता चला कि पकड़ा गया साते बदमाश 25,000 रुपए के इनामी पप्पू उर्फ एजाज हुसैन पुत्र जफर अली है, जिस पर कसी एवं गैंगस्टर के लगभग आधे दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश लंबे समय से वांछित भी चल रहा था। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार, क्षेत्राधिकारी भोगांव विजयपाल सिंह पहुंच गए, जिन्होंने पूरी बारीकी से जानकारी जुटाई। वहीं बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ को लेकर पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने क्या कुछ बताया, यह जरा आप ही सुनिए। क्या कारण था, दिन दहाड़े मुठभेड़ हुई, क्या सिचुएशन मिली थी, क्या एक्शन हुआ? देखिए, बिछवा थाना के एसआई हैं दिनेश कुमार, ये यहाँ पर चेकिंग कर रहे थे और चेकिंग के दौरान ही एक अपराधी जो जिसको रोकने का प्रयास किया गया, तो उसने वहाँ से चेकिंग से बचता हुआ भागा और जैसे ही इसको कवर करने का पुलिस ने प्रयास किया तो ये फायरिंग करने लगा। तो इनके द्वारा तत्काल सूचना दी गई, जिसमें हमारे सर्विलांस प्रभारी भी आए और हमारे जो अमित सिंह हैं जो थाना बिछवा के प्रभारी हैं वो आए और इंस्पेक्टर भोगांव आए और उनकी पूरी टीम को लेकर के इसको घेराबंदी किए, जिसमें ये फायरिंग कर रहा था और आत्मरक्षार्थ जब पुलिस ने इसको पकड़ने का प्रयास किया तो लगातार फायरिंग कर रहा था, तो पुलिस ने भी जब फायर जवाबी फायरिंग की तो इसके पैर में गोली लगी है और इसको गिरफ्तार किया गया है। जब और इसके बारे में पूछताछ की गई तो पता चला कि ये हमारे यहाँ से गोवंश की तस्करी में वांछित चल रहा था और ये नवंबर में 10 लोगों के साथ जो अपराध किए थे गोवंश तस्करी का, उसमें से 9 लोग गिरफ्तार हो चुके थे और ये तब से लगातार वांछित चल रहा था। इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था। तो एक बहुत दिन दहाड़े जो इस तरह का इसने फायरिंग करके दुस्साहस किया है, तो पुलिस ने जो हमारी जवाबी कार्रवाई करके इसको गिरफ्तार किया है वो बहुत बड़ी सफलता है और एक अच्छा इनामी अपराधी 25,000 का गिरफ्तार। क्या नाम था इसका? पप्पू उर्फ एजाज है, जो थाना जसरतपुर एटा का रहने वाला है।